हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ प्यार भरी नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आपने बाबा का ढाबा तो सुना ही होगा। जब वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुए तो काफ़ी लोगों ने उनके ढाबे पर जाकर खाना वगैरह भी खाया और आर्थिक सहायता भी दी, काफ़ी पैसा उनके अकाउंट में भी आया। लेकिन जब पैसा आया तो उसके बाद बाबा का आपने देखा भी होगा कैसे बदल गए बाद में। तो आज उसी को लेकर आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। बाबा का ढाबे के मालिक वापस उसी जगह पर आ गए जहां मिली थी सुर्खियां, बंद हुआ नया रेस्टोरेंट। उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया था उसके बाद, क्योंकि पैसा बहुत सारा आ गया था तो उन्होंने वो ढाबा बंद करके तो एक रेस्टोरेंट खोल लिया था। उस रेस्टोरेंट में हुआ क्या कि ये जो ढाबा था इनका मालवीय नगर इलाके में था, दक्षिणी दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। किस्मत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले साल दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बाबा का ढाबा चलाने वाले 81 साल के कांता प्रसाद और उसकी पत्नी बादामी देवी की किस्मत एक वीडियो वायरल होने के बाद बदल गई। ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड हुआ, काफ़ी लोगों ने इस पर ट्वीट किए और लोग उसका खाना खाने के लिए उसके ढाबे पर भी जाने लगे, लगातार लाइनें लगने लगी। कई जगह से उन्हें आर्थिक मदद भी मिली जिसके चलते कांता प्रसाद ने एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया। अब खबरों की माने तो कांता प्रसाद वापस अपनी जगह पुरानी जगह लौट आए हैं। बाबा का ढाबे में पहले जैसे ग्राहकों की भीड़ जुटने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद का रेस्टोरेंट फरवरी में बंद हो गया, लिहाजा वो ढाबे पर वापस आ गए, लेकिन पहले जैसी कमाई नहीं हो रही। बीते साल वीडियो वायरल हो गए थे उनके, तो उसकी कमाई कांता चाचा जो बता रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बाबा इंटरनेट पर भी काफ़ी फेमस हो गए थे। कांता प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के कारण 17 दिनों के लिए पुराने ढाबे को बंद करना पड़ा, इससे बिक्री प्रभावित हुई है, फिर से गरीबी का सामना करना पड़ा। कांता प्रसाद कहते हैं कि हमारे ढाबे पर चल रहे कोविड लॉकडाउन के कारण दैनिक फुटफॉल में गिरावट आई है। हमारी दैनिक बिक्री लॉकडाउन से पहले 3500 रुपये से घटकर अब 1000 रुपये रह गई है। ये हमारे परिवार गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो पहले बता रहे थे 3500-4000 रुपये की डेली सेल हो जाती थी, लेकिन अब 1000 रुपये की सेल हो पा रही है। बीते साल बाबा का ढाबा का वीडियो वायरल होने के बाद कांता प्रसाद को कई लाख रुपये की आर्थिक मदद भी मिली थी, जिसके चलते उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला, अपने घर में एक नई मंजिल जोड़ी और पुराना कर्जा चुकाया, खुद के लिए बच्चों के लिए स्मार्टफोन वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने खरीदा, क्योंकि अच्छे दिन आए थे। अब अच्छे दिन बीत चुके हैं। बाबा का ढाबा वर्तमान में चावल, दाल और दो प्रकार की सब्जियाँ ही मिल रही हैं। दिसंबर में इन्होंने बड़े धूमधाम से ये रेस्टोरेंट बनाया था। प्रसाद कांता प्रसाद जहाँ ढाबे पर रोटियाँ बनाते थे वह रेस्टोरेंट में मॉनिटरिंग करते हैं, जबकि उसकी पत्नी और दो बच्चे चमचमाते काउंटर पर बैठकर पेमेंट लेते हैं। दो रसोई वेटर ग्राहकों की सेवा में लगे थे। शुरुआती उत्साह के बाद ग्राहकों का आना कम होने लगा और रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ना लगा। रेस्टोरेंट में इन्होंने 5 लाख रुपये का खर्चा किया था और 3 लोगों को काम पर रखा था। रेस्टोरेंट का मासिक खर्चा जो लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपये के लगभग था। 3500 रुपये किराए के तौर पर देने होते थे और 35000 रुपये किराए के तौर पर देने होते थे, 36000 रुपये 3 कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती थी और मिला जुला के 15-20000 रुपये खर्चे इनका बिजली पानी वगैरह का हो जाता था। और इनकी जो महीने की जो बिक्री बताई जा रही है कि वो सिर्फ 40000 रुपये से अधिक नहीं हुई है, ऐसे में नुकसान हो रहा था। और उसके बाद इन्होंने ढाबा बंद कर दिया। इनको जो पहचान मिली थी, जो लोकप्रियता मिली थी, वो एक गौरव वासनिक यूट्यूबर हैं तो उनकी वजह से मिली थी। उन्होंने एक वीडियो बनाया था इनका कि देखो भाई ये बाबा कितनी उम्र है और यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि लोगों की भीड़ वहाँ इतनी इकट्ठी होगी और उसके बाद काफ़ी वीडियो और स्टेटों के भी वायरल हुए कि भाई देखो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखो और भाई ये भी कुछ कर सके क्योंकि खाने के लिए इनको भी चाहिए तो थोड़ा बहुत इनका वो कर लो। तो बाद में हुआ कि भी जो कांता प्रसाद वासन
उनके सीईओ के खिलाफ कुछ दान में जो रुपए मिले थे उसको लेकर उनके आरोप लगे थे, धोखाधड़ी की शिकायत वगैरह भी दर्ज करा दी गई थी बाबा के द्वारा। उन्होंने आरोप लगा कि वासन ने जानबूझकर अपने परिवार और दोस्तों के अकाउंट शेयर किए थे जिससे आर्थिक तौर पर मदद में धांधली की जाए। तो इस तरह की जो बातें हुई थी, आप सभी उससे अच्छे से परिचित हो, तो आप इस वीडियो के बारे में क्या जानते हो और आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताना ताकि अगली कोई वीडियो बनाए तो उसमें आपका सुझाव जरूर ले सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।